आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा चटाकेदार, मसालेदार, एकदम टेस्टी और कुरकुरी आलू पोहा टिक्की। आलू पोहा टिक्की बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप आसानी से इसे बना पाएंगे। आलू की टिक्की तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन आलू पोहा टिक्की एकदम कुरकुरी, मसालेदार, चटाकेदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में कुछ गर्मा गर्म खाने का सभी का मन करता है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है और आप इसे बहुत ही आसानी से बना भी सकते हैं, और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि आलू की टिक्की भी आप भूल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सिंपल सी रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आलू पोहा टिक्की बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने एक कप पोहा लिया है, ये पतले वाला है। पोहा आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके पास मोटे वाला पोहा है तो आप वो भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम पोहे को अच्छे से 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे और फिर इसको हम भिगो के रखेंगे। अगर आप पतले वाला पोहा ले रहे हैं तो उसको सिर्फ 2 मिनट ही भिगोना ज़रूरी है। 2 मिनट में ही बहुत ही अच्छे से वो सॉफ्ट हो जाएगा। अगर आप मोटे वाला पोहा ले रहे हैं तो उसे हमें लगभग 5 मिनट तक भिगो के रखना है। देखिए, मैंने इसको 2 मिनट के लिए भिगो के रख दिया है और अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया है। अब जो एक्स्ट्रा पानी है इसका हम निकाल लेंगे, अच्छे से छलनी में से छान लेंगे। देखिए, छलनी में से मैंने इसे छान लिया है और जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लिया है। इसमें ज़्यादा मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको ज़्यादा देर तक भिगो के रखेंगे तो ये बिल्कुल मैशी हो जाएगा, वो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसको हम 2 मिनट के लिए ही भिगो के रखेंगे, इसे हम साइड में रख देंगे अभी। अब मैंने यहाँ 3 उबले हुए आलू लिए हैं जिसको अच्छे से मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहें तो इसे मैश भी कर सकते हैं। अब जो पोहा हमने भिगो के रखा था वो डाल लेते हैं। अब मसाले हम ऐड करेंगे इसमें। सबसे पहले यहाँ मैंने बारीक कटी हुई धनिया पत्ती ली है, लगभग 3 बड़े चम्मच, और 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है, डाल लेते हैं। 1 छोटे चम्मच मैंने यहाँ बारीक कटी हुई अदरक ली है। अगर आपको लहसुन पसंद है तो आप लहसुन भी डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ ब्रेड क्रम्स लिया है, लगभग 4 बड़े चम्मच। जिससे हम खाना खाते हैं नॉर्मली, उसी चम्मच का हमने 4 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम्स लिया है। मैंने ब्रेड को अच्छे से भून लिया था तवे पे और उसको उसका मैंने पाउडर बना लिया है, तो वो डाल लेते हैं। साथ ही साथ मैंने 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स के ही 6 चम्मच आप डाल सकते हैं, या आपके पास कॉर्नफ्लावर है तो आप कॉर्नफ्लावर के भी 6 बड़े चम्मच डाल सकते हैं। अगर दोनों नहीं है तो आप राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा भी 6 बड़े चम्मच डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला लिया है, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है, 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ भुना हुआ जीरा और धनिया का पाउडर लिया है। धनिए को और जीरे को मैंने थोड़ा सा भून के और उसको कोर्सली पीस लिया है, तो 1 बड़ा चम्मच हम ये डाल लेंगे। 1 चम्मच मैंने यहाँ नमक लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1 चम्मच ही मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/2 छोटी चम्मच मैंने यहाँ चिली फ्लेक्स लिए हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, वरना आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच मैंने यहाँ अमचूर पाउडर लिया है। अमचूर पाउडर की जगह आप चाट मसाला भी ले सकते हैं। अगर चाट मसाला या अमचूर पाउडर दोनों नहीं है तो आप एक नींबू का रस भी ले सकते हैं। 2 चुटकी मैंने यहाँ हींग ली है, हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हम सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथों से मसल मसल कर इसे मिक्स करेंगे। अगर इसमें ज़्यादा मॉइस्चर आपको लग रहा है तो आप 1 से 2 चम्मच ब्रेड क्रम्स या फिर कॉर्नफ्लावर इसमें और डाल सकते हैं।
देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है, बिल्कुल आटे की तरह लग रहा है। अब हम टिक्कियाँ बना लेंगे। अगर ये हाथों पे चिपक रहा है तो आप थोड़ा सा तेल या घी लेकर, घी हथेली पर लगाकर अच्छे से टिक्कियाँ बना सकते हैं। तो थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, हमें जितनी बड़ी या छोटी टिक्कियाँ बनानी है उसी के हिसाब से हम मिक्सचर लेंगे। हथेली पर गोल करते हुए हम टिक्कियों की शेप देंगे, जैसे टिक्कियाँ बनाते हैं बिल्कुल ऐसे ही, नॉर्मली जैसे टिक्कियाँ बनती हैं बिल्कुल ऐसे ही। थोड़ा सा मैंने यहाँ कॉर्नफ्लावर लिया है, तो टिक्कियाँ हम अच्छे से इसमें लपेट लेंगे ताकि जब हम इसको शैलो फ्राई कर रहे हैं तो ये चिपकेंगी बिल्कुल भी नहीं। तो हल्का हल्का हम कॉर्नफ्लावर लगा लेंगे, एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर निकाल देंगे, बिल्कुल ऐसे बना लेंगे और टिक्कियाँ बना लेते हैं। जितनी बड़ी या छोटी हमें टिक्कियाँ चाहिए उसी के अनुसार हम मिक्सचर लेंगे और हथेली पर गोल करते हुए टिक्कियों की शेप देंगे। हल्का हल्का हम कॉर्नफ्लावर लगा लेंगे। ऐसे ही सारी टिक्कियाँ बनाकर हम तैयार कर लेंगे। देखिए टिक्कियाँ बनाकर मैंने तैयार कर ली हैं, अब हम इन्हें शैलो फ्राई कर लेंगे। शैलो फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने 6 बड़े चम्मच तेल लिया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम टिक्कियाँ, जितनी टिक्कियाँ आराम से फ्राई पैन में आ जाएंगी उतनी हम डाल लेंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। कॉर्नफ्लावर लगाने से आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल भी चिपकेंगी नहीं। गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे, लो या हाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर हम लो करेंगे फ्लेम को तो टिक्कियाँ बहुत सारा तेल पी जाएंगी। अगर हम हाई फ्लेम करेंगे तो ये बाहर से पक जाएंगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो हम मीडियम फ्लेम ही रखेंगे। अब नीचे से हल्की सी ब्राउन हो गई है तो हम पलट लेते हैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे बहुत ही प्यारा इसमें कलर आया है। पलट लेते हैं सारी टिक्कियाँ और ऐसे ही पलट पलट कर हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से शैलो फ्राई कर लेंगे। आप इन्हें चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया है, एक बार और पलट लेते हैं इन्हें अच्छे से और ऐसे ही हम इनको अच्छे से शैलो फ्राई कर लेंगे। देखिए टिक्कियाँ बनकर बिल्कुल तैयार हैं, अभी हम इन्हें निकाल लेते हैं। बहुत ही प्यारा कलर इसमें आया है, एक प्लेट में निकाल लेंगे और जो बाकी बच गई हैं टिक्की उन्हें भी हम ऐसे ही शैलो फ्राई कर लेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। टिक्कियाँ बनाकर मैंने तैयार कर ली हैं, बहुत ही प्यारा इसमें कलर आया है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी भी बनी है। आप भी ऐसे ही बना सकते हैं, ठंडी आ गई है, ठंडी के मौसम में कुछ गर्मा गर्म खाने का सभी का मन करता है, तो आप भी ऐसे टिक्कियाँ बना सकती हैं। और पोहा तो एक ब्रेकफास्ट का बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, आप पोहे से भी टिक्कियाँ बना सकते हैं, एकदम ये टेस्टी होती हैं। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली में, फ्रेंड में, सोशल साइट्स पे आप शेयर कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आप भी बनाइए, खाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।